तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो एक रिपेयर वीडियो है, जैसे कि लाइक गैराज में करते। ओके, तो हमारे पास एक पतंग है, अद्धी पतंग है, साइज देख के बता सकते हैं। अद्धी तोखा है, मथेदार भी कह सकते हैं, या टॉप सर्कल, सर्कल नहीं हालांकि मथेदार कह सकते हैं। ओके, तो इस पतंग में आप थोड़ा सा अलग देखेंगे, ब्लैक टेप लगी वो तो ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ टेप कहाँ लगी, क्यों लगी। यहाँ पे लगी क्योंकि हवाएं तेज़ होती तो पतंग यहाँ से झड़ जाती है, क्योंकि हवा यहाँ से टकरा के कागज़ को चीर देती है। यहाँ पे ऐसे चौके लगती ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तीलियाँ कई बार हाथ हाथ पकड़ने में बैंडों के बाहर आती है और पतंग डैमेज एक बार हो जाती है तो उस पर इफेक्ट पड़ जाता है। यहाँ पर भी सेम है, ये आपका शोल्डर पर लगाया डबल करके, ये आपका इधर लगाया फट जाती है हल्की हल्की। सेम है, जॉइंट पर लगाना है, टिकल टिकल भी लगाऊंगा मैं, और टॉप पे लगाया था कि ये उड़ाने से पहले खींचते टाइम ज़मीन से लड़बड़ जाए, कहीं लड़के ख़राब ना हो जाए। ऊपर से ख़राब हो जाती तो पतंग 80% चांसेस का ज्योमेट्री ख़राब हो जाती है। और ये बीच में आप समझ गए होंगे ये रिपेयर हुआ पतंग का। एक्चुअली में जो पतंग है वो टूट गई थी, आप देख सकते हैं पतंग की तीली पुरानी थी, पतंग पुरानी थी तो पतंग टूट गई सर पे बेंड करने पर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए इसका इलाज कैसे किया था। पे पुरानी फटी पतंग लेके आए और उसको दो टूड़ियाँ इतनी थी, एक 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 डेढ़ डेढ़ इंच की लगाएं दोनों साइड, छेद करें एक दो इधर, एक दो इधर, एक तरफ से पिरोएं, सद्दी से मैं कहूँगा सद्दी को पिरो के टाइट करके एक तरफ बैठा दें। जब एक तरफ की तीली बैठ जाए, मतलब कि ये इस साइड की तीलियाँ बैठ जाएँ, तभी दूसरी वाली पर टाइटली करें। इस काम में समय लगता है, कॉन्सेंट्रेशन लगे और ध्यान से करें, ठीक है। ऐसा करने पर क्या है, ये हालांकि मैं कहूँगा 80% केस में ऐसा ना करें, पौने पे तो स्पेशली ना करें, अद्धी पे तो फिर भी कर सकते हैं और छत से लगा सकते हैं। इससे पतंग का वज़न बढ़ जाता है और उतना इफेक्टदार नहीं रहती पतंग, ठीक है। लेकिन करते हैं लोग, जैसे कि बच्चे होते हैं कई लोगों के कि पतंग टूट गई, या फिर कोई पुरानी पतंग उन्होंने शो में रखनी, तीली टूटी नहीं खड़ी हो पाती, लेकिन ऐसे भी रिपेयर कर सकते हैं आप। तो पतंग उड़ जाएगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना बेस्ट नहीं लड़ेगी। तो यहाँ पर टेपिंग मैंने कर दी, क्योंकि किनारे से छेद करने पर पतंग डैमेज हो जाती है तीली लगाने पर। दोनों साइड टेपिंग है तो पतंग एकदम नई ऐसी लग रही है। पतंग कसम से बता रहा हूँ अच्छी ही लड़ेगी, जैसी पतंग थी पहले वैसे से 5-10% तक का आगे पीछे ही लड़ेगी, ठीक है। और होल्ड में इस पर टेप लगाता हूँ, वीडियो कितने लंबी बनाई है, थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं। एक सेकंड होल्ड करिए, तो मैं कैमरा से बना रहा हूँ वीडियो, तो एक सेकंड वेस्ट होल्ड वन सेकंड टेप लेके आ गया हूँ, और वेट फॉर अ सेकेंड। वीडियो में हल्के रेजोल्यूशन पे एडिट करूँगा, ठीक है, समझ ही होंगे आवाज़ कैसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो ओके, ये मैंने टेपों के टुकड़े थोड़े निकाल के रख लिए, और यार इसको मैं कर देता हूँ बंद, अभी काम नहीं है, ठीक है। हाइबरनेट हो जा जगह, एक्चुअली में थोड़ी काम है, ठीक है। तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे काम के लिए, किसी भी साइड लगा सकते हैं, मैं सेट लगा देता हूँ, चलिए कोई नहीं। द थिंग इज़, ये जॉइंट जो है फटता है तेज़ हवा में, अभी तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं लखनऊ में, जो हवा की दिशा है, वो दिशा के डायरेक्शन जो है वेस्ट टू ईस्ट है, ऑलमोस्ट आई थिंक 20 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, बहुत तेज़ हवाएं हैं। तो मैं आप लोगों को एक मिनट ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास टेपों के टुकड़े हैं, आप इन्हें कैसे भी लगा सकते हैं, हालांकि मैं कहूँगा छोटे थोड़े बड़े हो गए हैं, इनको इफेक्ट नहीं, क्योंकि पतंग मुश्किल है, मैं लड़ाऊँगा, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे दो इंच की दूरी पर कर दें, पूरा भी लगा सकते हैं, इसके लिए भी पतली टेपें आती हैं बहुत, इससे हाफ पतली भी आती हैं, वो आप एक लंबी लाइन मार सकते हैं पूरी यहाँ से वहाँ, तभी पतंग कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, इससे पतंग का वेट बढ़ता है, पतंग पे कम उस पर पड़ता, लेकिन पतंग
बहुत पुरानी है और हवाएं तेज़ हैं कायदे की, तब आपको 100% करना चाहिए, वरना पतंग आपकी हवा में खुल जाएंगे उसके जोड़, तो आपका वेस्ट होएगा मटेरियल प्लस पेंच भी। पोता पतंग क्या, जब आप पेंच लड़ाते हैं ना खींचते हैं ज़मीन पर हर जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा पतंग जोर तभी देती है जब एक्चुअली में आप पेंच पर खींचना चालू करते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली में अपनी वेट कंप्लीट एनर्जीज खींचते हैं उस पतंग, उसी पोजिशन में पतंग और आपकी डोर पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो ठीक है, पतंग कुछ ऐसी है, यहाँ भी लगा देते हैं ऊपर की साइड पे, ये भी फट जाते हैं पुरानी पतंगों में, नए में नहीं पड़ता। एक मिनट वेट वेट, अरे हो जा फोकस, सॉरी फॉर द वियर्ड कट गाइस। फोकस नहीं हो रहा, अब हो गया, ओके बस हो रहा। हाँ ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ हम थे, मैंने कहा था मैं पतंग पे, मैंने थोड़ा एडिंग किया है कट लगा के, ठीक है। तो ये जोड़ पे, मेन जोड़ पे टेप लगा दी, यहाँ ज़रूर टेप लगाएं तेज़ हवा में। ये जोड़ वाली पतंगें आमतौर पे आप अवॉइड करें, लेकिन कारीगर ऐसे जोड़ लगा देते हैं ताकि पेपर उनका कम बचे, ठीक भी है, लेकिन अवॉइड करें यहाँ पे जोड़, क्योंकि फालतू पतंग में का आपको वो पड़ेगा। दूसरी बात, ये जोड़ लगा दिया, अगर पतंग आपकी ज़्यादा ही पुरानी तो मत्थे भी फटने लगते हैं साइड से जोड़। बाकी मैंने यहाँ पे सिर्फ साइड से मैं टिप लगाई, एक प्रॉब्लम है कि अब पतंग का वेट काफ़ी बढ़ गया है, मतलब 1.5 ग्राम बढ़ गया है तीलियों टेप लगा के, तो ये पतंग अब तेज़ी हवा में उड़ाई या इसे गलती से भी हल्की हवा में ना उड़ाएं, ठीक है। और दूर पे पेंच ना लड़ाएं, फंसा के ना लड़ाएं, क्योंकि ये जो ठड्डा रिपेयर किया गया इससे पतंग को बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। पतंग पे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, पतंग अब या तो सजा के रखें, या फिर जो मैं सोचता हूँ सजा दूँ, लेकिन सजा के नहीं रखूँगा मैं भी, यहाँ पे लगा दूँ क्या, यहाँ पे लगाया था बाकी पतंगों के साथ हॉल ऑफ फेम में, लेकिन यही पतंगे सही हैं, यहाँ मैं लड़ाऊँगा, ठीक है। टॉरेंट खुला, और अब और क्या बताने आ रहा था मैं, हाँ तो ये एक्चुअली मैं रिपेयर वीडियो मैंने थोड़ा इंस्टार्ट किया आपको कैसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, एक तीली यहाँ पर रखें, जितना जॉइंट है 1.5-2 इंच की रखें, आमतौर पर यहाँ पर सर्वे बेंड करने टूट जाती, तो एक इधर रखें, एक साइड को पहले अच्छे से फिक्स करके टाइटली बाइंड कर दें, ठीक है। फिर दूसरी साइड को ज़्यादा समझदारी से करें और पतंग आपकी एकदम कड़क हो जाएगी, लेकिन इसको बेंड ना करें, इतनी बेंड वो नेचुरली हो रही है, इतनी ये देखिए, उतने पे ही उड़ाएं, ज़्यादा बेंड ना करें, अब टूट जाएगी, इसके बाद तो रिपेयर नहीं होगी, उड़ रही बड़ी बात है, ठीक है। फंस के तो ना ही लड़ाएं, पतंग उतना तेज़ आगे नहीं बढ़ेगी, खींची तान के लड़ाएं, उसमें भी मुश्किल है, ठीक है। बाकी चरखी मेरी ये रही आधी हो गई है, लास्ट टाइम मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ लड़ाई थी, कहाँ लड़ाई थी, 1090 के आसपास में, वो गोमती की उस साइड, इतने लंबे पेंच लड़ रहे थे, मतलब लिटरली उनकी तो एक पतंग ही सद्दी से टूट गई, हाथ से उन्हें पता ही नहीं चला हुआ क्या, बहुत मेरे ऊपर से डोर गए खूब लंबे, आधी फिर की रील बांध रहे थे वो, सद्दी टूट गई, बड़ा नुकसान होता है पता है, जब चरखियाँ भरवाते हैं कई बार, मान लीजिए दुकानदार भी वो देखा होगा आपने सद्दी का रोल करते हो, हाथ में कागज़ रहते हैं, क्योंकि गांठे होती है ना तो वो रुक जाता है, कागज़ फंस जाता है, वो मानते हो सकता है एक आध मिस हो गया, वो निकल गया, उसके बाद ये भरा हुआ था यहाँ तक, लबालब भरी थी, तीन पेंच कटा हुआ है, एक में क्या होगा पेंच दूर लड़ा है और आगे एक पतंग बीच में उड़ रही थी, हमारी पहले ही कटी पतंग थी, उसने बीच में काट दिया, ठीक है, वो गई। और फिर दूसरे में क्या हुआ, पकड़ ली, सामने बंदे थे फूंक रहे थे, मना किया जा रहा है कि नहीं धागा है तो बस खींच के देखना है, उंगली करनी है, और रोक दिया वो पतंग, इतनी दूर लड़ रही थी वो, तब बेकार। और तीसरे में तो कटा था, हमें याद आ गया, हम ये आधा हो गया, सद्दी में स्मेल भी आ रही हल्की की, घूमती हुआ पानी से भरा हुआ था पूरा, ठीक है, आधा कर दिए, भराऊंगा मैं, जी ख़त्म होगा लगभग, ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा इसका, तब भराऊंगा, आधे किलो के दो भर जाते हैं आमतौर पर, हालांकि ये दूर लड़ाने के लिए सद्दी है नहीं, कम तार की सद्दी होनी चाहिए, मोटी सद्दी है, पतली सद्दी लें तो हवा को जल्दी काटती है और दूर तक कायदे से लड़ती है, टूटती भी जल्दी, इतनी मजबूती के लिए नहीं होती, दूर के पेज में मटेरियल वेस्ट करने के लिए आप लगाते हैं, समझिए ये एक टिप है। आप दूर का पेंच लड़ा रहे हैं, आप उसमें पेंच कम लड़ा रहे हैं, सामान में ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, खर्चा पानी उसमें कायदे का लगता है। सद्दी तो रील तो आप जानती हैं कैसे फूकती है उसमें,
सद्दी भी आपको वैसी पानी की तरह बहानी पड़ती है, ट्यून तो ना ही लगा, ट्यून लगेगा भी नहीं पीछे। ये पतली है ये कॉर्ड ना इसकी, मेरे दोस्त ने दी थी मेरे को, पिंक पिंक, ये लड़कियों वाला कलर वैलेंटाइन टाइम। ठीक है तो ये रिपेयर का हो गया, पतंग अच्छी रिपेयर हुई मैं सही बता रहा हूँ। अब मैंने क्या किया था इसको, मैंने अब बोल रही कैसे सद्दी का इतना, तो एक मिनट फोकस हो जा, उसको काट दिया कैंची से, कट लगा दिया ताकि अच्छी लगे देखने में। तो जो बूटेगा वो बोलेगा बहुत अच्छे से कारीगरी काम किया उसने, जिस बंदे ने पतंग को तैयार किया था। ठीक है तो आज पतंग का लचीलापन मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है पतंग कुछ टॉप की नहीं, ठीक है एवरेज है। तो ये आज का वीडियो कुछ इस तरह से था, और अगर अपना सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर क्या जो भी है। ठीक है लिंक भी दे सकते हैं अगर वीडियोज़ को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ये वीडियो कोशिश कर रहा हूँ मैं लंबा बनाने का, बाकी एडिटिंग करके मैं करता हूँ जो भी कट्स वगैरह बीच में लगे हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।